हेलो फ्रेंड्स, रिंकू टेस्ट किचन में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ दीपावली स्पेशल बेसन के लड्डू। दीपावली में तो बहुत सारी मिठाइयाँ आती है, लेकिन जब लड्डू ना हो तो बात ही नहीं बनती। तो मेरे इस खास तरीके से बेसन के लड्डू घर में बनाएंगे तो एकदम बाजार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट और दानेदार बनेगी। तो कुछ ट्रिक के साथ बनाएंगे बेसन के लड्डू कि जब भी बेसन के लड्डू बनाएं तो हर बार ही परफेक्ट बने। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक पैन और इसे गैस पर चढ़ाएँगे। अभी गैस को चालू नहीं करना है। और एक कप घी ले लेंगे, 150 ग्राम के लगभग घी है। और ये घी सारा डाल दिए हैं, इसमें 2-3 चम्मच तक घी को रख लेंगे, जिसे बाद में यूज करेंगे। बेसन के लड्डू जब भी बनाएंगे तब इसे कोशिश करें कि घी में ही बनाएं, या फिर इसे आप रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। जिस कप से घी लिए थे उसी कप से 2 कप बेसन डाल देंगे। सही नाप और सही तरीके से बेसन के लड्डू बनाएंगे तो एकदम बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और दानेदार। तो 1 कप घी और 2 कप बेसन डालकर इसे मिक्स कर लेना है और गैस को अभी बंद ही रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हाथों से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छे तरह से मिक्स हो जाएंगे। और इसे देखिए, 15 से 20 मिनट तक इसे इस तरह से मसल कर एकदम मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये दानेदार ना हो जाए। ये देखिए, 15 से 20 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे तो ये दानेदार होने लगेंगे और गैस को अभी बंद ही रखेंगे। तो ये खास ट्रिक के साथ कि जब भी घी में बेसन मिक्स करें तो 10 से 15 मिनट तक ज़रूर मिक्स करें। और ये देखिए, एकदम दानेदार बेसन हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे गैस को कर देंगे चालू। लेकिन गैस को जब चालू करेंगे तो लो फ्लेम पे ही रखेंगे। लो फ्लेम पे इसे मिक्स करते रहेंगे। लो फ्लेम में मिक्स करने से होगा कि ये अच्छी तरह से भून भी जाएगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। अगर इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये नीचे में जलने लगेगी और स्वाद थोड़ा इसका कड़वा हो जाएगा और बाजार जैसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसलिए इसे जब भी बनाएं तो लो फ्लेम पे ही इसे बनाएंगे। और इसे देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। इसे लगातार चलाना पड़ता है 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भून लेने के बाद। ये देखिए, ये दानेदार एकदम हो गई है। ये बहुत ही गर्म है, हाथों से मैं उठाकर दिखा रही थी। और ये देखिए, इस स्टेज पे क्या करेंगे कि इसमें जो घी बचा था वो थोड़ा सा घी डाल देते हैं और 1 चम्मच तक घी रख लेते हैं। और ये देखिए, इसे भी मिक्स कर लेंगे और गैस को अभी बंद नहीं करेंगे, एकदम लो फ्लेम ही रखेंगे। और ये देखिए, इसको 10 से 15 मिनट तक भून लिए हैं तो इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से लगातार भूनते रहेंगे। मेरे इस खास तरीके से घर में बेसन के लड्डू बनाएंगे तो बाजार जैसे टेस्टी बनेंगे और एकदम दानेदार। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और ये देखिए, 10 से 15 मिनट तक इसे एकदम लो फ्लेम पे भून लिए हैं, तो एकदम अच्छी तरह से इसे भून लिए हैं। तो अब गैस को कर देंगे बंद। और ये देखिए, इतना घी बच गया है 1 चम्मच के लगभग। तो गैस को कर देते हैं बंद और इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, ये थोड़ा सा एकदम दानेदार हो गया है। तो गैस को बंद कर दिए हैं और इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें चीनी तो डाला ही नहीं, लेकिन ये मैं चीनी अभी बाद में डालूंगी। इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। निकाल के इसे हल्का सा ठंडा होने देना है। इसे हल्का सा ठंडा होने देना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे इसे। और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची का पाउडर 1/2 चम्मच। इलायची आप ज़रूर ऐड करें। और इसमें डालेंगे शुगर पाउडर, जिस कप से बेसन लिए थे उसी कप से 1 कप शुगर पाउडर है। और इसे डालकर मिक्स कर लेना है। शुगर पाउडर चीनी को आप मिक्सी में पीस लें और जब भी मिक्सी में पीसे तो थोड़ा दरदरा ही पीसे। और इसे देखिए, लगातार इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसे हल्का सा गर्म ही रहेगा तभी मिक्स करेंगे। और ये देखिए, 1 चम्मच जो बचा हुआ घी था उसे भी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में 1 चम्मच घी डालने से ये अच्छे लड्डू बनेंगे, एकदम गोल गोल। तो इस तरह से देखिए मिक्स कर लेंगे। और जब मिक्स करेंगे तो हल्की सी गर्म होनी चाहिए। और ये देखिए, आसानी से ये मिक्स हो गए हैं और एकदम दानेदार हो गए हैं। तो अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसे हाथों में थोड़ा सा लेकर
जिस शेप में आपको लड्डू बनाना है, जिस साइज में उस उतना ही लेंगे, ये देखिए। और इस तरह से थोड़ा दबा दबा कर बॉल बना लेंगे और इसे बनाएंगे तो हल्का सा गर्म ही होना चाहिए। और ये देखिए लड्डू इस तरह से घुमा घुमा कर हाथों के बीच में रखकर इस तरह से घुमाएंगे तो एकदम आसानी से ये बेसन के लड्डू तैयार है। तो हाथों के बीच इस तरह से रखकर गोल गोल घुमाएंगे तो ये आसानी से गोल हो जाएंगे। तब तक इसे इस तरह से गोल करना है तब तक ये गोल ना हो जाए। और ये अच्छी तरह से एकदम गोल हो गई है। तो इसी तरह से सभी बेसन के लड्डू बना लेंगे। और ये देखिए सभी बेसन के लड्डू को बना लिए हैं, एकदम दानेदार और बाजार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो दीपावली आने वाली है, इस दीपावली में इस बेसन के लड्डू आप घर में ज़रूर बनाएं। और रेसिपी मेरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक लड्डू को देखिए मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, एकदम आसान तरीके से बनने वाले बेसन के लड्डू। आप इसे एक बार बनाएंगे तो हर बार बनाना चाहेंगे, बहुत ही आसान है। बाजार में तो बहुत सारे केमिकल वाले मिठाइयाँ मिलती है, सभी जगह तो अच्छी मिलती नहीं होती। इस तरीके से आप घर में आसान तरीके से लड्डू बना सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।